नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बात करेंगे वर्ष 2021 वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, कितनी खुशियां मिलेंगी और साथ साथ में सफलता मिलेगी या फिर मिलेगी विफलता। जैसा कि आप सभी को पता ही है मित्रों कि वर्ष 2020 कोरोना काल के कारण पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ बहुत सारी समस्याएं देकर गया। बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ऐसी कई सारी समस्या, उतार और चढ़ाव भरा 2020 रहा, बहुत सारे नुकसान सभी लोगों को लगभग उठाना पड़ा। लेकिन उम्मीद के साथ साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष यानी कि 2021 आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप सभी लोग सफलता की प्रत्येक ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहे। आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 किस प्रकार का रहने वाला है। आइए ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए राहु ग्रह लग्न में ही विराजित रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में तृतीय भाव में, वही शुक्र और केतु ग्रह सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और धनु राशि में बुध एवं सूर्य ग्रह अष्टम भाव में विराजित है। शनिदेव स्वगृही होकर नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में मकर राशि में गुरु के साथ विराजित है, वही मंगल ग्रह मेष राशि में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह शुरुआत के दौर के ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। राहु और केतु दोनों ही ग्रह वर्ष पर्यंत, राहु जहां वृषभ राशि में रहेंगे वही केतु ग्रह वृश्चिक राशि में रहेंगे, शनिदेव स्वगृही यानी कि मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे, बाकी सारे ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता रहेगा। आइए देखते हैं कि वर्ष 2021 आपके लिए किस प्रकार का फल देने वाला है। यह जो वार्षिक राशि फल है यह चंद्र राशि एवं लग्न पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको 2021 में वृषभ राशि वालों, माताओं, बहनों एवं सभी पुरुषों के लिए अपने आप पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शास्त्र कहता है कि वृषभ और मिथुन दोनों ही राशियों में राहु बेहतर रिजल्ट देते हैं, जीवन के अंदर कई सारी खुशियां प्रदान करते हैं, लेकिन किसी भी काम को करते समय बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना या फिर क्षण मात्र में गुस्सा होना और क्षण मात्र में शांत होना, ऐसा स्वभाव इस वर्ष आपका हो सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर और ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी कार्य के लिए आपको आगे बढ़ना है, यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। धन के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो आपके लिए यह वर्ष बड़ा ही सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत के दौर में थोड़ी सी सावधानी बरतना आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। स्पेशली फरवरी के महीने में धन को लेकर अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उसको निकालना होगा, या फिर अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो बहुत सोच समझकर आपको देना होगा, अन्यथा पैसा तो दे देंगे लेकिन वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक वर्ष की शुरुआत बड़े ही प्रसन्नता के साथ करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपका पूरा वर्ष खुशियों से भरा हुआ रहे। एक बात का और विशेष यहाँ पे ख्याल रखने की आवश्यकता है कि पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद जो कि 2020 या फिर उससे पहले से चला आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे सावधानी पूर्वक अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपको इस वर्ष यानी कि 2021 में शनिदेव की कृपा से उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी और वह जो आपका समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बात करते हैं कि इस वर्ष जो लोग घर या गाड़ी खरीदने की कोशिश में है किस तरीके का यह वर्ष उनके लिए रहने वाला है।
तो जो लोग भवन यानी कि जो लोग घर खरीदना चाहते थे या फिर घर बनाना चाहते थे और 2020 में असफलता हाथ लगी, क्या इस वर्ष सफलता मिलेगी, इसको देखने की आवश्यकता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वर्ष आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। बेहतर प्रयास अगर आप करते हैं तो फरवरी के बाद से इसमें आपको कामयाबी काफी हद तक मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप आगे बढ़ने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा था, किसी समस्या को लेकर कहीं ना कहीं डिले हो रहा था, उनके लिए भी बड़ा सुनहरा मौका इस वर्ष रहने वाला है। लेकिन एक बात का यहाँ विशेष ख्याल रखें, परिवार में या फिर यहाँ पे मित्रों से यहाँ पे आपको लाभ मिलने का काफी बेहतरीन योग बन रहा है, लेकिन साथ साथ में परिवार के सदस्यों में विशेष करके अपनी माता जी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। पूरे वर्ष यह आपके लिए बहुत सारी खुशियों को कहीं ना कहीं भंग करने का कार्य कर सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो यह वर्ष जो है बहुत ही शुभ फल देने वाला रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। वो अपनी नवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ समय रहेगा। जो लोग संतान को लेकर या संतान से परेशान है या फिर उसके स्वभाव से परेशान है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सफलता मिलेगी, उसमें सुधार की काफी हद तक संभावनाएं दिखाई दे रही है। साथ में जो लोग लॉटरी सट्टा या फिर शेयर मार्केट इन चीजों में पैसा लगाकर उससे पैसा बनाते हैं या पैसा कमाते हैं, उनके लिए वर्ष 2021 बहुत ही शुभ रहने वाला है और बहुत सारी खुशियां और उसके साथ साथ सफलताओं के ऊंचाइयों को प्राप्त करने में काफी हद तक आप कामयाब रहेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दूं मैं कि अगर आप कर्ज ले चुके हैं और उस कर्ज के तले लगातार दबते जा रहे हैं और उस कर्ज से छुटकारा का कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो शनि देव की विशेष कृपा इस वर्ष आप पर रहने वाली है, क्योंकि शनि देव नवम भाव में विराजित होकर 10वीं दृष्टि से 6th हाउस को देख रहे हैं। तो कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कहीं से, जिससे कि आपका कर्जा चुक जाए या फिर कहीं से अधिक पैसा आ जाएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, जिससे भी आपका कर्ज चुकने का या कर्ज खत्म होने का बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। शत्रु जिससे कि आप पहले काफी ज्यादा परेशान थे, बिना किसी कारण आपको लोग सताने का लगातार प्रयास करते जा रहे थे, जिससे आपको बड़ी हताशा और निराशा थी, लेकिन इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा होने के कारण आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और स्पेशली कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई केस मुकदमे का मामला चल रहा है, वहां लगभग आप हार के कगार पे हैं, लेकिन तख्ता पलटेगा और निश्चित होगी आपकी जीत। एक चीज से विशेष सावधान यहाँ रहने की आवश्यकता है, पति पत्नी यानी कि दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न हो सकती है, इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाकर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके पति और पत्नी दोनों को चलने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो इस वर्ष काफी सारी समस्याएं दाम्पत्य जीवन में आ सकती है पति पत्नी के बीच, और कहीं ना कहीं कई बार सेपरेशन या मामला डाइवोर्स तक जा सकता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि केतु ग्रह विराजित है सप्तम भाव में, साथ ही राहु की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो छोटी मोटी बातों का ध्यान ना दें। साथ साथ में जो लोग नए बिजनेस और व्यापार के बारे में विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, स्पेशली पार्टनरशिप के अंदर, तो पार्टनरशिप में इस समय व्यापार करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए इंडिविजुअल अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए कई सारी खुशियां लेकर आएंगी। आपको साथ साथ में यहाँ पे देखते हैं हेल्थ के दृष्टिकोण से, और साथ साथ में जो लोग वाहन चलाते समय असावधानी बरतते हैं यानी कि बिंदास चलाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करने की आवश्यकता है, अन्यथा पूरे वर्ष में चोट चपेट और मेजर प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक ही ध्यान केंद्रित करके आपको ड्राइव करने की आवश्यकता रहेगी। पहले भाग्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि मैं तो मेहनत इतना करता हूँ लेकिन मिलता तो मुझे लास्ट में कुछ ज्यादा लाभ होता नहीं है, तो क्या इस वर्ष सफलता मिलेगी, इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि शनिदेव स्वगृह यानी कि मकर राशि में आपके भाग्य भाव में ही विराजित रहेंगे,
जिससे कि आपका भाग्य 100% लगभग आपके साथ होगा, जिससे कि आने वाली समस्याएं आपकी खत्म होंगी और जीवन में सफलता ही सफलता मिलेंगी। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपके इस वर्ष होंगे, जिससे आपके 2020 जिस तरीके का रहा उससे कई गुना बेहतर अनुभव आपका रहेगा इस वर्ष। जो लोग नौकरी और स्पेशली प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, नौकरी मिलना, नौकरी का छूट जाना, बॉस का कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं रहना, बॉस से ताड़ना प्राप्त करना, ऐसी कई सारी घटनाएं आपके जीवन में स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में आपके घट रही थी, तो उससे निश्चित मानकर चलिए कि इस वर्ष आपको छुटकारा मिलेगा और नई नौकरी आपको बेहतरीन मिल सकती है। साथ साथ में प्रमोशन का भी पूर्ण योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को प्रमोशन 2020 में या फिर पहले भी नहीं मिल रहा था, काफी हताशा और निराशा ही हाथ लगती थी। साथ में कलीग्स का भी आपको भरपूर सपोर्ट इस वर्ष मिलेगा, जिससे भी खुशियां कई गुनी बढ़ेंगी और पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में चार चांद लगेंगे। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, आपको विदेश से अगर किसी भी तरीके का संबंध है या फिर विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आपको फरवरी के बाद ही उसका प्लानिंग करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किस किस महीने में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है वर्ष 2021 में, तो आपको फरवरी के महीने में सावधानी बरतते हुए कार्य को करना चाहिए। उसके अलावा आपको जुलाई के महीने में सावधान रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ में आपको सितंबर के महीने में सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए यह पूरा वर्ष बेहतर रहने वाला है। मित्रों, इस वर्ष को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि राहु अगर कहीं भी लग्न में विराजित है या फिर आपके खुद की राशि में विराजित है, तो उनके लिए राहु का उपाय आप कर सकते हैं। उसके लिए आप भगवान गणेश के शरण में जा सकते हैं और प्रतिदिन ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। पूरे वर्ष आप जल में गौमूत्र डालकर स्नान करना भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ में बुधवार के दिन गाय को देसी घी रोटी में लगाकर और उसमें गुड़ डालकर और लपेटकर गाय को खिलाने से भी कई सारी आने वाली आपकी समस्याएं खत्म होंगी और जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आप अपने पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।